स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल, लेट्स स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टडी। सो स्टूडेंट टेक आउट योर हिंदी कनिका बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 11 अंधेर नगरी। एक बार महंत जी अपने दोनों चेले नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ जा रहे थे। बेटा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बड़ा सुंदर है लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। दोनों ही चेले गुरु की आज्ञा मानकर अपनी अपनी दिशा की ओर चल पड़ते हैं। क्यों भाजी, क्या भाव दी? बाबा जी टके शेर है। सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके शेर। वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? अनबुज राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, अनबुज राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी, अनबुज राजा, टके सेतु, टके शेर खाजा। बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। तभी महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझे बताया था कि यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती हैं। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? यहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। अंधेर नगरी, अनबुज राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यही रहूंगा। देखो मेरी बात मान, पीछे पछताएगा नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाट हूं पर इतना कह जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह सब कहते हुए महंत चले जाते हैं। कुछ समय बाद कोई दुहाई है कहता हुआ दरबार में आता है। कौन चिल्ला रहा है वहां? उसे यहाँ लेकर आओ। दुहाई महाराज, दुहाई। क्या हुआ, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। मुझे न्याय दीजिए, कल्लू को बुलाकर लाओ। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई थी कि गिर पड़ी। अगर ऐसा है तो कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। महाराज, मैं बेकसूर हूँ, चूने वाले ने ही खराब चूना बनाया था कि दीवार गिर पड़ी। तो जाओ चूने वाले को पकड़ कर लाओ। महाराज, ये सब भिश्ती की वजह से हुआ है, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो जाओ कसाई को ले आओ। महाराज, गडरिया ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। क्यों रे गडरिया, तूने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची?
महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। तो जाओ और कोतवाल को भेजो। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। ले जाओ इसे और अभी फांसी पर चढ़ा दो। अरे वाह, यहाँ तो मैं खूब मिठाई खा खा कर मोटा हो रहा हूँ। गुरुजी ने हमको यहाँ रहने के लिए ऐसे ही मना किया था। चल बे चल, मिठाई खा कर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। मैंने क्या किया है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, फांसी का फंदा बड़ा हो गया है और कोतवाल साहब दुबले पतले हैं, इसलिए अब एक मोटे आदमी को फांसी दी जाएगी, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी को सजा होनी जरूरी है। दुहाई है, अरे मैं नाहक, मेरा कुछ नहीं किया, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, भला कभी टला है? काश मैंने गुरुजी की बात मानी होती। गोवर्धन दास, ये सिपाहियों ने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मुझे इससे बचाइए गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। सुनो सिपाही, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हैं। महंत जी के कुछ कहने पर ठीक है, चढ़ा दो मुझे फांसी, अब तो मैं फांसी पर चढ़ लूंगा। नहीं नहीं, हम बूढ़े हैं, पहले हमें फांसी होनी चाहिए। यह क्या गोलमाल है, यह गुरु चेला फांसी के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? राजा, यह एक ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो फिर राजा जी हमें फांसी दे दीजिए। चुप रहो सब, राजा के जीते जी कोई और कैसे स्वर्ग जा सकता है, फांसी मुझे दी जाएगी। और राजा को फांसी पर लटका दिया जाता।